हाँ भाई मंगाती हो जंक लेते यार। तो भी देखो अभी ज्यादातर स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स मेरे सामने आ रही है, जो भी कमेंट सेक्शंस में, टेलीग्राम ग्रुप में या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो भी ज्यादातर स्टूडेंट्स की क्वेरीज निकल के आ रही है, वो ये है यार कि भैया हमने 11th क्लास का, हमारी बिल्कुल एकदम 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस बर्बाद है और हम 12th क्लास में है, तो अभी हमें 12th क्लास में क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम्स बहुत ज्यादा पास हैं और इस केस में हमारी 11th क्लास तो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। तो यार 12th क्लास में हमें क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच लगानी चाहिए, एग्जाम्स बहुत पास हैं और क्या अब हमें 11th पढ़नी चाहिए या फिर अब हमें 12th पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका ये क्वेश्चन होगा जो भी 12th क्लास में, क्योंकि यार 11th क्लास में होता क्या है कि हम लोग ज्यादातर हम कंप्यूटर साइंस वगैरह पे फोकस नहीं करते हैं एंड 12th पे आके वही हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। तो यार इस केस में, इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके पॉइंट वाइज बताऊंगा कि यार कैसे अब आप अपनी 12th क्लास में, इवन आफ्टर 11th क्लास आपकी अच्छी नहीं गई उसके बावजूद भी आप कंप्यूटर साइंस में 80 से 90 मार्क्स कैसे स्कोर कर रहे होगे, ठीक है। और यार ये एकदम प्रैक्टिकल तरीका है, मेरे ऊपर भरोसा कर लो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि यार इस पिछले साल 12th क्लास के स्टूडेंट्स ने इसी चैनल से कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी और वो लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स ला रखे हैं, ठीक है। आप चाहो तो फिर हमारे चैनल को पूरी तरीके से चेकआउट कर सकते हो कि यार हमारा बेसिक्स क्या है, हम क्या क्या, हमारा बेस हम पहले क्या क्या करते थे, क्या क्या वीडियोज हमने बना रखी है। तो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है एंड कंप्यूटर साइंस का मेरे को तो बहुत स्पेशली बहुत ज्यादा आइडिया है, ठीक है। तो उस केस में आप मेरे को ट्रस्ट कर सकते हो बिल्कुल ही, और कैसे आपको 11th क्लास को सुपर डुपर करने के बाद उसका 12th क्लास में आके 12th क्लास को कैसे मजबूत करना है, ठीक है। सबसे बड़ी क्वेरी, भैया 12th क्लास में मैं आ गई हूँ एंड मेरे पास अभी कंप्यूटर साइंस, मैंने 11th में बिल्कुल बर्बाद है, मैंने 11th में कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी है, या तो मेरा सब्जेक्ट चेंज हुआ था इसलिए मैंने 11th में नहीं पढ़ी, या तो कोई और ड्यू टू एनी अदर रीजन मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी 11th की। तो अब मुझे 12th में कैसे कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, क्योंकि यार मेरा देखो बिल्कुल भी, मैंने 12th क्लास का कुछ भी सिलेबस अभी स्टार्ट नहीं किया है एंड 11th तो मेरी ऑलरेडी बर्बाद है, ठीक है। तो अब मुझे कैसे स्टार्ट करना है, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 कि भैया क्या मुझे अब 11th स्टार्ट करनी चाहिए, पहले मुझे 11th पढ़नी चाहिए उसके बाद 12th में आना चाहिए या फिर मैं डायरेक्टली 12th का स्टार्ट कर दूँ। तो देखो यार मेरी बात समझो, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि यार मैं ये वीडियो स्पेशली, तो वैसे तो सारे स्टूडेंट्स देख सकते हैं, बट यार मैं CBSE करिकुलम के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। तो CBSE करिकुलम में सिलेबस देखोगे आप तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है यार पाइथन रिविजन टूर, ठीक है। रिविजन टूर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग का हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है और यार वो 12th क्लास के लिए ये मान के चलो कि यार मैक्सिमम पोर्शन जो होता है रिवीजन टूर से आ रहा होता है, और ये रिवीजन टूर होता कहाँ का है, 11th का ही। मतलब कि 11th क्लास, जब आप 11th क्लास का जो भी आपका पाइथन में आपने पढ़ रखा है वो सब कुछ आपको 12th क्लास में आना चाहिए, यानी कि वही वाली चीज़ें जो आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है पाइथन की, ये सारी की सारी चीज़ें 12th क्लास के सिलेबस में पूछी जाएंगी। तो यार सीधा सीधा ये क्वेश्चन तो सीधा सीधा खत्म हो जाता है कि हमें 11th पढ़नी चाहिए या फिर नहीं पढ़नी चाहिए। ऑब्वियसली यार सबसे पहले आपको 11th क्लास कंप्लीट करनी चाहिए, उसी के बाद आपको 12th क्लास में शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि यार 11th क्लास हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग करती है और उसके बाद जाके ही आप एडवांस पे 12th क्लास के सिलेबस पे आ पाएंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है कि भैया हम करें तो स्टार्ट करें कैसे, ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हाँ शायद कुछ लोग आपको बुक वगैरह अगर आपको डाउट है तो बुक के, तो मैंने ऑब्वियसली एक वीडियो अलग से बना रखी है, बट मैं बता दूँ तो फिर स्पेशली ज़्यादातर लोग आज के टाइम पे सुमिता अरोड़ा प्रेफर कर रहे हैं, कोई प्रीति अरोड़ा प्रेफर करता है एंड कोई लोग NCERT प्रेफर करते हैं, बट यार मैं बताऊँ, मैं तो अभी भी अगर रेकमेंड करता हूँ, मैं आज भी स्टूडेंट्स को अपने बनाए हुए नोट्स प्रेफर करता हूँ। दैट इज़ भैया क्या 12th क्लास के भी नोट्स हैं? हाँ भाई 12th क्लास के लिए भी नोट्स हैं, 11th क्लास के लिए भी नोट्स हैं, स्पेशली फॉर कंप्यूटर साइंस। बट देखो यार ये बात समझो मेरी, तुम जो मैंने 12th क्लास के लिए नोट्स बनाए थे वो आखिरी के 9 दिनों के बीच में बनाए थे, ठीक है। यानी कि अगर कंप्यूटर साइंस का आपका एग्जाम आ जाता है तो आप आखिरी के 9 दिनों में कैसे उसको कंप्लीट कर सकते हो? हाँ भैया आपने बिल्कुल सही सुना, यानी कि 9 दिन के अंदर कैसे क्लास 12th का पूरा पूरा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कंप्लीट होना है। और कई स्टूडेंट्स ने मेरे ऊपर भरोसा करके, मैं आपको अभी भी मेरे पास मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, सारे के सारे मैसेज वगैरह रखे हुए हैं, तो बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो यार, ठीक है। क्योंकि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा था वो उसके बाद आखिरी में कहते हैं कि भैया थैंक यू सो मच, आपने इतना सब कुछ बताया, जो चीज़ें बताई थी वहीं एग्जाम्स में आ गई, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लो, 12th क्लास की टेंशन मत लो, बट जो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है वो है यार 11th क्लास की। अब देखो 11th क्लास में यार कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको पहले पहले ही बता देना चाहूँगा, जिसको कि आपको अच्छे से कर लेना है। सबसे पहले यार पाइथन का रिवीजन टूर, पाइथन का रिवीजन टूर में यार आपको पता ही है ज़्यादातर चीज़ें कौन कौन सी होती है। सबसे पहले तो हमारा स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो यार ये वाले स्टेटमेंट्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ से आपका पाइथन के बेसिक्स, प्रोग्रामिंग वगैरह, प्रोग्राम्स बनाने के लिए इफ एलिफ एल्स के जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसके बाद यार जिनको इनको कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, और एक है यार लूप का टॉपिक आपका। लूप का टॉपिक कौन सा भैया? फॉर लूप, व्हाइल लूप, इनको कैसे यूज करना है, किस तरीके से होंगे। और यार आप बिलीव नहीं करोगे, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं ये मैंने अकेले सिर्फ दो चैप्टर के अंदर कवर करा रखा है। मतलब कि आपको 11th क्लास के सिर्फ और सिर्फ दो चैप्टर देखने हैं और ये सारी की सारी चीज़ें इजीली कवर हो जाएंगी। अब भैया दो चैप्टर आप बोलते रहे हो, शायद आपने बना रखे होंगे, दो चैप्टर की कितने दो दो घंटे की वीडियो बना रखी, ना कुछ भी नहीं, ठीक है। एक घंटे से भी कम के अंदर आपके एक चैप्टर की वीडियो कवर हो रही होगी, तो फिर ऑलमोस्ट दो घंटे के अंदर आपके दोनों चैप्टर कवर हो जाएंगे। और समझ लो यार, दो घंटे के अंदर आपने अगर इन चीज़ों को बैठ के एक बार नोट कर करके समझ लिया, तो उसके बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाले, ये मैं अपनी पूरी की पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यार मैंने पूरा पूरा ट्रस्ट लेके मैंने इस तरीके से इनको रिसर्च के साथ इतना ढूंढ ढूंढ के, इतना इंटरनेट से चीज़ें निकाल के, कभी दूसरी बुक्स में लगा लो, मैंने 3-4 बुक्स ओपन करके उसके बाद जगह इन नोट्स को फॉर्मेट किया था, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, चीज़ें इतनी ईजी होंगी आपको समझने के लिए। तो कि आपने चाहे अगर 11th क्लास का कुछ भी नहीं पढ़ा, 12th क्लास का नहीं पढ़ा, बट अगर आप हमारे 11th क्लास के नोट्स से पढ़ लेते हो, तो यार आपके लिए ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाने वाली हैं, ठीक है। और भैया बात रहेगी कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो यार दो चैप्टर जो मैंने बताया वो आपका पहला चैप्टर है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th का, ये आपको सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से क्योंकि यार आपको मैंने बताया रिवीजन टूर में आपका क्या आएगा, पाइथन का रिवीजन टूर सबसे पहले आता है, तो पाइथन रिवीजन टूर में आपको ये सबसे पहले कर लेना है। दूसरी चीज़ आपको पकड़नी है फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल चैप्टर जो है यार, ये आपका चैप्टर 6 या फिर 7 चैप्टर है आपका क्लास 11 का, ठीक है। तो इसको आपको कर लेना है, इसको आपको करते ही, इन दोनों चैप्टर्स को आपको करते ही पाइथन के आपको बेसिक्स प्रोग्राम बनाना आ जाएगा। एंड भैया कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करनी होगी, तो वो कहाँ से करेंगे हम? देखो यार नीचे लिंक दे रखा है मैंने टेलीग्राम ग्रुप का, वो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लो बिल्कुल, अगर किसी ने भी नहीं किया है, क्योंकि यार वहाँ पे जो भी क्वेरीज होती है स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज पूछते रहते हैं, उन क्वेरीज का आंसर मैं जल्द से जल्द कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, अगर आपको वो समझ में नहीं आता, डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन डालो, मैं या तो रिस्पॉन्स कर दूंगा, या फिर हो सकता है कुछ और स्टूडेंट्स को भी जो ज़रूरत हो वो अपना उससे देख ले, या फिर बाकी स्टूडेंट्स जो अपने क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे वो आपको पता चल जाएंगे कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी मार्क कर लेता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें भी आपको आ जाएंगी, ठीक है। तो यार आई होप यार ज़्यादातर चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। 12th क्लास स्टार्ट करने से पहले 11th के बेसिक्स क्लियर कर लो। 12th क्लास यार आपके लिए मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा ईजी रहेगी, इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि यार जो चीज़ें हैं 12th क्लास में वो उतनी ज़्यादा वो नहीं है, मतलब क्योंकि यार आपने 11th क्लास का अच्छे से पढ़ लिया, तो फिर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हुआ है। अब जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो ऊपर से यार फाउंडेशन जब स्ट्रॉन्ग है तो फिर ऊपर से बिल्डिंग बनाना टफ नहीं होगा, वो मैं आपके साथ लास्ट तक बना रहूँगा, ठीक है। 12th क्लास को एकदम बहुत तगड़ा बनाना है हमें, तो बिल्कुल एकदम तैयार रहो। सबसे पहले मेरी तरफ से बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर दो। देखो एक यार एक फॉर्मेट है जो कि मैं अपना पर्सनली यूज़ करता हूँ, कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, क्योंकि यार मेरा भी कुछ ऐसे ही रहा था स्टार्टिंग वगैरह में, मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था। तो एक चीज़ ध्यान रखना बस, वीक में एटलीस्ट टू आवर्स आपको कंप्यूटर साइंस को देने हैं। अभी यार 2 आवर्स से क्या होगा, मुझे पता है यार आप लोगों को लग रहा होगा कि वीक में 2 आवर्स से कुछ नहीं होगा, बट एक वीक में 2 आवर्स देने से आपको लगा लो आपके 1 मंथ में लगभग 8 आवर्स आप दे रहे हो, ठीक है। एक महीने में आप 8 to 10 आवर्स दे रहे होगे, तो ये 8 to 10 आवर्स आपको आज के टाइम में इतना बेनिफिट ना दे, बट आपको अगर पता चलेगा कि आज आप तब थोड़ा थोड़ा करके अगर आप ये आवर्स को देते रहोगे, तो आपको आखिरी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि यार मैं सब कुछ समझता हूँ यार, आप साइंस स्ट्रीम से हो गए, आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो गए, और यार आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि यार आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर अकाउंट्स इन सब सब्जेक्ट्स को छोड़कर आप दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर आओ, ठीक है। तो इसलिए कंप्यूटर साइंस को ठीक है थोड़ा कम टाइम दो, बट जो भी चीज़ें मैंने बना रखी है मैं वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं वो आपको मैं दे दूंगा। इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आपकी 11th अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मात्र 2 घंटे के अंदर आपके चैप्टर कवर हो जाएंगे, और अगर आप थोड़े अलग से अपने नोट्स खुद के बनाओगे तो शायद उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे लग जाए, और इसके अंदर आपकी पूरी पूरी 11th कंप्लीट हो रही होगी। इसके बाद यार मैं आपको बता दूँ 12th स्टार्ट करने के लिए तरीका कुछ नहीं है, 12th के लिए मैंने मटेरियल ऑलरेडी दे रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स दे रखे हैं, रैपिड रिवीजन के नोट्स दे रखे हैं, और इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए यार तुम्हें, ठीक है। तो फिर वो आप 12th क्लास की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरीज हो तो फिर नीचे आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे आप उसको पोस्ट कर सकते हो, अपने मैसेज लिख सकते हो, या फिर यार मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कर ही लेना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे को आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, और ये जो वीडियो मैंने अभी बनाई है ये भी किसी ने मेरे को इंस्टाग्राम पे ही मैसेज किया था, उसके बाद जाके ही मैंने इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही अपना मैसेज मेरे को कर सकते हो, डीएम कर सकते हो मेरे को डायरेक्टली, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर पहली बार आ रखे हो, वीडियो को लाइक कर देना, लाइक्स का टारगेट है 10 लाइक्स रखते हैं अभी फिलहाल के, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।